हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। भिवानी में एक बार फिर आवारा सांडों का कहर देखने को मिला है। घटना देर रात गांव घनाना की है, जहां खेत से बाइक पर घर आ रहे एक किसान को आवारा सांडों ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब पीड़ित किसान ने सरकार से इन आवारा सांडों से छुटकारा दिलाने की मांग की है। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के आपात विभाग में भर्ती संदीप उर्फ फोर्ड नामक ये किसान यहाँ किसी लड़ाई झगड़े या सड़क हादसा का शिकार होकर अस्पताल में नहीं आया, बल्कि ये किसान देर रात आवारा सांडों का शिकार बन गया। अस्पताल में भर्ती किसान संदीप ने बताया कि वह देर रात अपने खेत में सिंचाई का पानी देकर वापस अपनी बाइक पर घर आ रहा था, तभी सड़क पर कुछ आवारा पशु घूम रहे थे। किसान के मुताबिक इनमें से कुछ सांडों ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। उसने बताया कि सांडों से बचने का उसने काफी प्रयास किया, लेकिन उसकी संख्या ज्यादा होने के चलते पूरे रोड पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। संदीप नामक किसान का कहना है कि सांडों ने उसे सींग मारकर बुरी तरह घायल कर दिया और उसकी बाइक को भी तोड़ डाला। घायल संदीप का कहना है कि आवारा पशु उनकी फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं और आते जाते हुए किसानों व आम जन को चोट मारकर घायल कर रहे हैं। उसने सरकार से इन आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाने की मांग की है, ताकि हर रोज होते हादसों से छुटकारा मिल सके। मैं खेत में पानी लगाने जा रहा था और 11:30 बजे तब मैं खेत में से वापस लौट रहा था। उस टाइम ये जो प्राइवेट और डाल के सांड हैं, जो अमेरिकन गाया के जो खागड़ आवारा पशु, बाइक से चल रहा था मैं तो साथ साथ मैं स्टार्ट बहुत कोशिश करी मैंने एक साइड करने की। वो 6-7 लाइन में चल रहे थे, 20-25 मेरे से आगे टप लिए थे। उन्होंने मेरे इस दर सरल आगे मैंने सोचा कि वो और दूर कर लूं, तो पिछले जो काले रंग का था उसने मेरे दूंड मारी, नूकिन सिंह चार गया मेरे यहाँ साइड पासों में और मेरे मोटरसाइकिल टूट गया, वाइजर टूट गया, मेरा फोन फूट गया। मैं बेहोश हो गया पड़दाई। मैं खागड़ मेरी लाइट चस गई, बैटरी मेरे गल में थी, टॉर्च में चसते ही जब टॉर्च चसी उसी टाइम खागड़ मेरे ऊपर से गया। अगर टॉर्च नहीं होती तो मैं ये सोचता कि खागड़ मेरे को दोबारा फिर 2-3 बार मतलब सर लाता सिंग मारता। हम तो पर सरकार से वो करा, आज मेरे साथ होया, कल और भाई के साथ होगा। इस तरह की मैं मुंडा चौकी वाले दो भाई आए थे रात को, बोला भाई ये तो ऐसा होता रहता है, रोड पर आ जाते सारे, इनका कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार, ना इनकी किधर जान दी ले जान दी, ना इनको रोकती, ना इनके लिए कोई गौशाला का प्रबंध कर दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।